डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए, 100 नंबर ऑब्जेक्टिव सीरीज में मैं दूसरा कविता जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है उसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं। उम्मीद है कि पहला जो ऑब्जेक्टिव मैंने डाला था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसको आप जरूर देखे होंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यू वर्ड का प्रयोग कवि वाल्ट व्हिटमैन ने कितनी बार किया है? ट्वाइस, दो बार, वंस, एक बार, ट्राइस, थ्री बार, बताइए कितनी बार? क्या होगा सही जवाब? सही जवाब क्या होगा? ट्वाइस। द वर्ड अ स्कूल स्टैंड फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में अ स्कूल जो वर्ड है उसका मतलब क्या होगा? अकाडमी यानी शिक्षा संबंधी, सिस्टम्स ऑफ थॉट यानी सोचने की तरीका, या टीचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाई वाला इंस्टीट्यूट। क्या था इस वर्ड, इस ये जो स्कूल वर्ड का प्रयोग किया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में उसका मीनिंग क्या है? तो उसका मीनिंग है सिस्टम ऑफ थॉट। हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को किसने लिखा है? वाल्ट व्हिटमैन, टेनिशन, इमर्सन, नन ऑफ दीज। चलिए टिकट कर लिया आप, मैच कर लीजिएगा। सही ऑप्शन होगा वाल्ट व्हिटमैन। व्हिटमैन वाज पोएट, व्हिटमैन कवि थे। बोलिए इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश या नन ऑफ दीज, कहां के थे? तो वाल्ट व्हिटमैन, चलिए ब्रिटिश लग रहा है ना, आपको याद होगा ये कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, व्हिटमैन वाज बोर्न इन, व्हिटमैन का जन्म हुआ था 1817, 1818, 1819, 1820। व्हाट्स योर आंसर? प्लीज टिक आउट एंड मैच। तो कर लिए होंगे, मैच कर लीजिएगा, आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिटमैन डाइड इन, व्हिटमैन की मृत्यु हुई 1889, 1890, 1819, 1892। चलिए क्या आंसर है, मैच कर रहे? चलिए मैच कर लीजिएगा, 1892। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? लायरिक है, इपिक है या सोनिट, क्या होगा? चलिए कर लिया आप आंसर, मैच भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इन टाइटल एड। कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का जो ओपनिंग सेक्शन है उस किससे शुरू हुआ? ग्रास से या आई सेलिब्रेट माई सेल्फ से या एनिमल से, क्या होगा? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको, जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे वो तुरंत क्रैक किए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है? इमर्जन, रॉबर्ट फॉर्स्ट या वाल्ट व्हिटमैन, कौन है जी? तो जो लेखक होंगे वही ना स्पीकर होंगे, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं, तो वाल्ट व्हिटमैन। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ग्रेट लवर ऑफ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के अनुसार जो स्पीकर है यानी वाल्ट व्हिटमैन जो है वो बहुत बड़े प्रेमी है आर्ट्स के, कला के, साइंस विज्ञान के, कॉमर्स व्यवसाय के या नेचर के। चलिए पहले आप कर लिए, अब मैं कर देता हूं। ऑप्शन क्या होगा? डी। वाल्ट व्हिटमैन हैज रिटन द पोएम। वाल्ट व्हिटमैन ने कौन सी कविता को लिखा है? एन एपिटाफ, द सोल्जर या सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, क्या होगा? सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ। वाल्ट व्हिटमैन इज इयर्स ओल्ड। वाल्ट व्हिटमैन जो है वो कितने साल पुराने हैं यानी कितने साल के हैं? कब? ये जो कविता में वर्णन किया है कितने साल की उम्र है उनकी कविता में लिखा हुआ, वर्णन किया हुआ? 34, 35, 36, 37। व्हाट्स योर आंसर?
चलिए, यू मैट हैव डन, योर आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम, किस कविता से लाइन है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर या फायरिंग, क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब तो कर लिए होंगे आप, मैच भी कर लीजिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ हैज रिटन द पोएम, ठीक है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ हैज बीन रिटन बाई द पोएट, कौन कविता कवि जो है इसको लिखे इस कविता को, ये लाइन को, वाल्ट विटमैन, डब्ल्यू एच ऑर्डेन, जॉन किट्स या डब्ल्यू बीट्स, क्या है सही जवाब? तो सही जवाब होगा वाल्ट विटमैन। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन रिटन बाई द पोएट, कविता का पहला लाइन किसने लिखा? देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया, जो कविता लिखेगा वही ना पहला लाइन लिखेगा, तो जॉन किट्स होगा, कमला दास या जॉन डन, वाल्ट विटमैन, क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब होगा वाल्ट विटमैन। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए क्या करते हैं, हंसते हैं, लाफ्स, क्राइज, रोते हैं, सिंग्स, गाते हैं, क्या होगा सही आंसर? बहुत बार आ रहा है तो सिंग्स होगा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। अगला क्वेश्चन, करें एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये लाइन जो है जो मैं मानूंगा वो आप भी अवश्य मानिएगा, ये किस चैप्टर से है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिताफ, द सोल्जर या फायरिंग, चलिए आप आंसर कर लिए, मैच कर लीजिएगा, तो सही जवाब होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई हार्बर फॉर गुड और बैड हैज बीन रिटन बाई, ये जो आई हार्बर फॉर गुड और बैड ये लाइन जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? जॉन किट्स, जॉन डन, वाल्ट विटमैन या डीएच लॉरेंस, क्या होगा? ठीक है, सही जवाब वाल्ट विटमैन। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।